एक कंप्लेंट लिखवानी है इंस्पेक्टर साहब से मिल सकता हूं अभी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में ध्यान दे रहे हैं तुम लिख के दे दो बैठ के लिख लो भाई क्या लिखा है दिखाओ जरा

लोकेशन स्पॉट किया कर लिया, हाँ। हाँ। कर लिया सर कार से हो वाला है वहाँ ऐसी सिग्नल से साढ़े तीन बजे क्रॉस हो गई सभी सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया उनका जीपीएस हाँ।, हाँ।, हाँ बोलो करन। क्या हुआ? आ, कार सिटी से बाहर नहीं गई करो लोकेशन का पता चलता इन्फॉर्म करूंगा कोई बात नहीं मैं लाइन पे रहता हूँ जल्दी बताओ हाँ ठीक है सर ट्रेस कर लिया है हाँ करण कार हाँ, मैंने सुन लिया कार चल रही है क्या नहीं नहीं एक ही जगह पे रुकी हुई है बोलो तो मैं एरिया पुलिस फोन करके करूं। नहीं 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 वो हम देख लेंगे लेकिन सुनो बात हमारे बीच रहनी चाहिए कार मूव करे तो हमें बताना ठीक है कार का पता चल गया है गौरव जब कार का पता चल गया है तो उनको पकड़ना मुश्किल नहीं है वो पकड़े जाएंगे करण मुझे उसकी शक्ल देखनी है ठीक है गौरव सत्या क्या है भाई कार का पता चल गया है एमजी नगर में है एमजी नगर में है हाँ कोई टेंशन नहीं भाई अपने लड़के हैं वहाँ पर काम हो जाएगा कार लेकर आता हूँ भाई एक काम करो कार के साथ सबको उठा के लाओ फोन करता हूँ भाई हम्म क्या रे भाई हैं हाँ है एक मिनट ऊपर आओ भाई हाँ? नमस्ते। क्या बात है चंद्रशेखर नाइट में एक पंगा हो गया भाई क्यों क्या हुआ कुछ नहीं भाई वो स्कूल के बच्चे भाई हाँ? स्कूल के बच्चे वो हम सब लोगों को अंदर करवा देगा ये क्या कह रहे हो भाई मेडिकल कॉलेज में उसकी बहन को सीट दिलवाई थी मैंने अब वो यहाँ वहां इंक्वायरी कर रहा है कि कॉलेज के अप्रूवल नहीं हुआ वो पैसे वापस मांग रहा है मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा सत्या ने हाथ उठाकर गलती कर दी है वो कोई प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है भाई ए, hey, वैसा कुछ नहीं होने वाला वो बात नहीं है भाई इस धंधे में मेरी बड़ी इज्जत है भाई इसलिए लोग मेरे पास सीट के लिए आते हैं अगर उसने पब्लिक को बता दिया तो हम सब की बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी तुम कहना क्या चाहते हो अगर प्रॉब्लम हुई तो हमें उसे पैसा वापस करना ही पड़ेगा भाई ए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या वो हर सीट का कमीशन दे रहा है बातें बंद करो चंद्रशेखर तुम कितने साल से ये बिजनेस कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला तुम जाके अपना काम करो भाई मुझे जवाब दीजिए प्रॉब्लम है या नहीं है मैं सिर्फ आपके कॉलेज के लिए काम नहीं करता अगर कल कुछ हुआ तो मैं उनका साथ दूंगा तब आप बुरा मत मानिएगा भाई चंद्रशेखर ऐसा होने नहीं देंगे यहाँ पर कुछ और ही प्रॉब्लम है एक काम करो अपने ऑफिस में वेट करो वहीं आकर बात करता हूँ ये सब मेरी वजह से हो रहा है पिताजी मुझे मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी अरे क्या पागलों जैसी बात कर रही है सब ठीक हो जाएगा दिव्या हम लोग भी पूछताछ करेंगे जल्दी ही सब अच्छा हो जाएगा अब हम और कितनी परेशानी उठाएंगे बड़ी मुश्किलों से इतने पैसे इकट्ठे किए थे हमने तुम्हारे माँ बाप भी कितनी तकलीफ उठा के तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं ए पार्वती तुम क्यों रो रही हो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे वो लोग सब देख लेंगे क्यों बेटा क्या कहते हो पूछताछ के लिए बुलाएंगे ऐसा कहा था हेलो कृष्णा बोल रहे हो हाँ जी बोलिए मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ जी कहिए सर ये कंप्लेन तुमने किया है क्या जी हाँ सर आ, तुम जानवी को कैसे जानते हो सर उससे इसकी शादी हो रही है सर आहा, अच्छा तुम्हारी बहन को मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन कराया है क्या जी सर हम्म चंद्रशेखर को कब से जानते हो सर राजा मनी ब्रोकर है सर उसके जरिए जानता हूँ हाँ चंद्रशेखर से तुम्हारी लड़ाई हुई थी क्या जी हाँ सर उसके साथ जो सत्या था उसने मुझे और मेरे दोस्त को बेवजह मारा बदले में तुमने क्या किया हाथ काट के मर गया तुम लोगों को पता नहीं है क्या तुम लोगों ने पहले से ही ये कम्प्लेन हमें दिया था इसलिए मैं पूछताछ के लिए बुलाया हूँ सर कम्प्लेट तो हमने की है लेकिन चिदम्बरम के सुसाइड से मेरे बेटे का कोई संबंध नहीं कोई संबंध नहीं है सॉरी निकलो तुम लोग चलो कृष्णा चलो पापा, आप थोड़ी देर वेट कीजिए मैं आता हूं। सर कॉलेज की सीट के लिए उसे पचास लाख रुपए दिए थे सर सुनो जानवी की वजह से तुम्हें यहाँ पे इस तरह बिठा के बात कर रहा हूँ नहीं तो हमारे पूछताछ का तरीका अलग होता है क्यों सर धमकी दे रहे हैं क्या तुम्हें धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम जबरदस्ती आके फंस गए हो इरादा पक्का है फालतू में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो अब जाओ यहां से <laughs> ऐसे ही खत्म नहीं कर सकता सर अब मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ क्या कहा बेटा कृष्णा मेरे सवाल का जवाब दो अरे क्या अंदर उसने क्या कहा मैं क्या बताऊं पापा कंप्लेंट करने पर केस उल्टा घुमाने की कोशिश कर कंप्लेंट रहे कंप्लेंट किया ना थोड़ा इंतजार कर जानवी से बात करेंगे कंप्लेंट मतलब कुछ नहीं पुलिस कभी भी न्याय के लिए काम नहीं करती अगर वो काम करती है तो पैसे के लिए अकेले जाकर पूछा तो धमकी दे रहे हैं सारे स्टूडेंट्स पूछे दिव्या के लिए हमें शहर में आए थे बेटा अब वो नहीं तो एक मिनट भी इस घर में नहीं रह सकते अब तुम भी आ जाओ बेटा हम सब गांव चले जाएंगे यहां नहीं रहेंगे नहीं पापा मैं नहीं आऊंगा यहाँ पर किसी एक की तो चाहत पूरी होने दीजिए देख के बताना मुझे नहीं सर। पहचान नहीं पा रहा हूं कृष्णा तू सच में नहीं पहचाना गाड़ी नंबर से उस ड्राइवर को पकड़ लिया एक्सीडेंट के वक्त उसको देखा ऐसा लग रहा है मुझे ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा था कि नहीं ये नहीं जानता लेकिन यह एक्सीडेंट नहीं था तो फिर तूने पुलिस को क्यों नहीं बताया बताया तो मैंने कंप्लेंट की तो मुझे बुला के धमकी दी उन लोगों ने अब मैं पुलिस से कहूंगा कि मेरी बहन को मार दिया तो मुझे ही फंसा देंगे मैं अच्छे से जानता हूं कि ये एक्सीडेंट नहीं था ये एक्सीडेंट के आड़ में किया हुआ खून है और ये साजिश किसने की है ये मैं जानता हूँ वो सत्या है तो सत्या को ऐसे छोड़ देंगे उसे मारेंगे हम जो बात हमें पता चली वो सारा शहर जानता है उस चेयरमैन को अरेस्ट करके कॉलेज को सील कर दिया गया है पढ़ाई गई अब हमारे फ्यूचर का क्या होगा ये कहकर तीन दिन से स्टूडेंट्स भूख हड़ताल कर रहे हैं उनकी किसी को परवाह नहीं है तो कौन परवाह करेगा शहर में फ्रेंड न्यूज बना हुआ है फेसबुक व्हाट्सएप पर वायरल होने के लिए ये यो यो सॉन्ग नहीं है और ना ही ये एल मैच है या लोगों के पास और भी काम है कृष्णा चुप कर हमारी दिव्या जिंदा होती तो यहाँ पर होती तब भी तो ऐसे ही बात करता यही बात तो मैं भी कहना चाहता हूँ सत्या ने मारा है तो इस बात को जानते हुए तू तो चुप क्यों है जैसे तुम सोच रहे हो वैसे उसे मारना आसान नहीं है प्रॉब्लम खत्म करना बड़ी बात नहीं है उस वजह से दूसरी प्रॉब्लम ना खड़ी हो ऐसा काम करना बड़ी बात है स्टूडेंट्स का फैसला होने तक हम इस पर सोचेंगे नहीं हम इसमें क्या कर सकते हैं यार कर सकते हैं यार दर्द भुलाकर गुस्सा दबाकर शांति से सोचेंगे तो पता चलेगा बात सिर्फ सत्या की नहीं और भी बहुत से लोगों की है सिर्फ कंप्लेंट करने पर जो लोग कत्ल कर सकते हैं वो लोग किस हद तक जा सकते हैं तुम सोच लो मिडिल क्लास वाले ऐसे गुंडों से डरते हैं इसलिए उन गुंडों की हिम्मत बढ़ी हुई है लेकिन यही मिडिल क्लास वाले उल्टा हमला करेंगे तब पता चलेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे सत्या जिंदा चाहिए किसी भी हाल में उसके लिए मुझे उसके सारे डिटेल्स चाहिए मिस हो गया यार वो सत्या दस फीट की दूरी पे वो घोड़ा लेके खड़ा था निशाना भी लगा लिया था अगर बॉस ना आते तो वो हमें खत्म ही कर डालता थैंक्स बॉस बॉस तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम दिखने में तो डिसेंट लगते हो लेकिन तुम उसे फॉलो क्यों कर रहे थे क्यों बॉस जो नहीं पूछना था वो पूछ लिया क्या बहन को डॉक्टर बनाना था उसके एडमिशन के लिए उसने मुझसे धोखे से पैसे ले लिए वही पैसे वापस मांगे तो उसने मेरी बहन को मार दिया। कौन? जो मुझे खत्म करने आया था हाँ बस वो अकेला नहीं है उसके साथ दो चार लोग और हैं उसे उठाने के के बाद सोचा था बाकी के हाथ में आएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं उन लोगों को कैसे उठाऊं समझ नहीं पा रहा हूँ कोई बात नहीं बॉस तुमने मेरी जान बचाई थी अब वो चाहे जितने भी लोग हो हम उन्हें उठा लेंगे क्या बोलते हो तुम लोग ठीक है धर्मा उठा लेंगे ठीक है लेकिन वो तुमको क्यों मारना चाहता था सिर्फ एक बार नहीं दो, दो बार धर्मा एक मिनट तुमने क्या नाम बताया जी जे मोटर्स ओनर्स का बेटा नाम है गौरव गौरव क्या कह रहे हो धर्मा वही तो कॉलेज का ओनर है भाई और हमें उसे ही उठाना है हाँ उसे तू भी ना पैसा लेके आ जाते इस गाड़ी को लाने की क्या जरूरत थी ये कोई साधारण गाड़ी है क्या अमीर लोगों की गाड़ी है ये हम कौन हैं अभी उन्हें पता चला होगा अगर हम हाथ आ जाते तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देते मेरी गलती है यार अभी मैं क्या करूं तुम थोड़ा चुप रहो और सुनो किसी स्टेशन के पास गाड़ी छोड़ देंगे तब तक लड़कों को कहीं भी जाने के लिए मना करना देख कौन है क्या हुआ अरे कुछ नहीं रे पार्टी के पहचान वाला है इसकी पार्टी में सेटल हो रही है इसके पार्टी के घर में दो तीन कारें हैं बहुत अर्जेंट है एक साथ सब बेचने की बात कर रहे हैं कभी भी किसी को भी लेके चला आता है भाई भाई नाराज मत होना थोड़ा अर्जेंट है पार्टी बाहर खड़ी है पैसे का ऊपर नीचे चलेगा पहले गाड़ी देख तो लो क्या बोल रहे हो धर्म कहा जाना है नागपाड़ा जाना है चलो गाड़ी से चलते हैं आ जाओ हम लोग अपनी गाड़ी में जाएंगे अपनी गाड़ी कहाँ है देवा के लिए ले गया है। है अभी आ जाएगा। ये है वो भाई। हाँ हाँ ठीक है मैं संभाल लूंगा धर्मा <laughs> नमस्ते भाई तो तुम्हारा नाम धर्मा है कितने साल से हो इस धंधे में दस बारह साल से ओह, ओनली लोकल या फॉरेन का भी करते हो बोलो भाई अरे बोलना गाड़ी चुराएगा <hats> भाई पे डालेगा मेरे सत्या गाड़ी में डालेंगे चल ए, तेरी तो, तो। देवा 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 चलो में डालो डालो भाई हमसे गलती हो गई भाई भाई प्लीज प्लीज भाई हमें छोड़ छोड़ दो ना भाई प्लीज तुझे छोड़ इतनी आसानी से जिस आदमी के पास होटल कॉलेज और इतनी बड़ी कंपनी हो तो उस जीजीएम ग्रुप के ऑनर गौरव की तू गाड़ी उठाएगा और हम तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे हम एक एक करके तुम सबको मारेंगे किसी को नहीं छोड़ेंगे 말+ 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 अगर हम रिस्क लेकर एक्सीडेंट ना करवाते तो हम उसी दिन मर जाते उसे उठाना इतना आसान नहीं है बॉस